अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की जॉब भी बहुत इजी है, ये न्यू फ्रीलांसर जो हैं वो इस तरह की जॉब जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलें जॉब के डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्लाइंट ने कहा कि आई नीड समवन टू रीटाइप अटैच्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट। उसके पास एक 24 पेजेस का पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, तो वो चाहता है कि वो उसको रीटाइप करना है, और रीटाइप करना है। उसके बाद जो उसने कहा है कि उसको जो फ़ॉन्ट चाहिए वो चाहिए टाइम न्यू रोमन। तो ये जो फ़ॉन्ट है ये हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में आसानी से मिल जाता है। तो उसके बाद उसने कहा कि ये जो है उसके पास पहले से पीडीएफ है लेकिन वो सही नहीं है, तो उसके बाद बिल्कुल उस तरह की बनानी है। और उसने कहा कि ये मुझे जल्द अज़ जल्द चाहिए, एज़ सून एज़ पॉसिबल चाहिए उसको। वो कहता है मुझे 6 घंटे में चाहिए, लेकिन हम ये वाला काम जो है 1 घंटे में करके दे सकते हैं उसको। और 24 पेजेस जो हैं इनको अगर हम टाइप करने बैठेंगे तो ये काफ़ी देर लगेगी, तो इसलिए हम जो है एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। एक वेबसाइट है जिस पर अगर हम इमेज अपलोड करें तो वो हमें prepostseo.com, तो ये एक ऐसी वेबसाइट जिस पर हम इमेज अपलोड करेंगे और ये हमें उसका कंटेंट जो है ये हमें रिटर्न में दे देगा। तो हम प्लेजरिज्म चेक, हम कहते हैं कि हमें चाहिए इमेज टू टेक्स्ट, यहाँ पर आकर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो इसके बाद ये आ गया। तो यहाँ पर हम जो है अब इमेज अपनी अपलोड करेंगे तो ये हमें उसका टेक्स्ट जो होगा, रिटर्न टेक्स्ट जो होगा वो हमें इसका दे देगी। तो सबसे पहले जो है जो क्लाइंट ने मुझे पीडीएफ सेंड की थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्लाइंट ने मुझे पीडीएफ सेंड की थी, तो इसमें ये पेजेस हैं, 24 पेजेस हैं, देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज है उसका। तो यहाँ पर मैंने पूरी पीडीएफ अपलोड करने की बजाय आपको दिखाने के लिए इसके मैंने पहले जो 2 पेज थे उनका तस्वीर बना ली है, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपको दिखाने के लिए। तो वो चलते हैं वो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों तो ये देखें ये इमेज 1 जो है मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लाके मैंने इसको अपलोड कर दिया और ये थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोसेस करेगा और इसको अपलोड कर देगा। तो फाइल अपलोड हो गई, अब इसे हम कहते हैं सबमिट कर दे दें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जितना भी कंटेंट होगा वो रिटर्न फॉर्म में हमें दे देगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जितना भी कंटेंट था उसने हमें ये रिटर्न फॉर्म में दे दिया है। तो अब जो है इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। अगर हम टाइप करने बैठें इसमें, अगर हम 24 पेजेस को टाइप करने बैठेंगे तो हमारे कम अज़ कम जो है अगर हमारी स्पीड अच्छी भी है तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद इसको हमने दोबारा चेक भी करना पड़ेगा, हमें स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। और लेकिन हम फिर भी इसको रिव्यू करेंगे क्लाइंट को हमने, क्योंकि 100% एक्यूरेट काम जो है वो देना होता है। तो ये पेज नंबर 1 था, इसको हम मैच करते हैं अब जो हमारे पास पेज था। तो ये देखें चाइल्ड केयर एक्सप्रेस फैमिली चाइल्ड केयर होम पॉलिसीज, ये बिल्कुल जो है उसके साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है। और थोड़ी बहुत जो चेंजेस है हम वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। 94-292 आगे देखें बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो हम खुद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरा पेज हम इसके ऊपर अपलोड करके चेक करते हैं कि ये वाकई एग्जैक्ट मैच करता है, क्योंकि मैंने तो ये कर रखा है तो ये एग्जैक्ट मैच ही करता है। लेकिन हम आपके लिए जो है मैं दूसरा पेज भी इसके ऊपर अपलोड कर देता हूँ। जो क्लाइंट ने हमें पीडीएफ फाइल दी थी मैंने उसके स्क्रीनशॉट बना लिए थे, तो वो जो है 1 बाय 1 करके इसके ऊपर अपलोड करेंगे हम। पिक्चर अपलोड हो गई है, इसको यहाँ पर लाकर सबमिट कर देंगे। तो ये देख लीजिए, अब ये जो पेज नंबर 2 था उसके ऊपर जितना भी रिटर्न डाटा था ये सारा इसने टाइप करके दे दिया हमें। तो अब जो है हम इसको मैच करते हैं। तो ये देख लीजिए,
पहले पहला पेज जो है, जो पहली रो हमारे पास है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दिस दिस दिस, ये भी सेम एज इट इज़ है। लेकिन जो है हम इसमें थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं जो हमने रो के हिसाब से नेक्स्ट रो पे जाना है तो हम खुद जाएंगे, वो हम जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देख लीजिए बाकी जो डाटा है वो एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह जो है मैंने 24 पेजेस जो थे एक घंटे के अंदर मैंने इनको जो है नई PDF बनाकर क्लाइंट को सेंड कर दी। तो इससे क्लाइंट जो था वो बहुत खुश हुआ और उसने 5 स्टार जो मुझे दिया और काम जो था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। इसके बाद अगर हम इसको मैन्युअली टाइप करने बैठ जाएं तो वो काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी टाइम लगने के साथ साथ जो गलती के चांसेस, जो मिस्टेक्स हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं उनके चांसेस भी काफ़ी सारे हैं वो बढ़ जाएंगे, सही है। तो दोस्तों यही आज की जॉब थी, सिंपल जॉब है। जो नए फ्रीलांसर्स हैं वो इस तरह के ट्रिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मैन्युअली टाइप करने के बजाय हम जो है वेबसाइट जिसका नाम है prepostseo.com, यहाँ पर जाकर हम अपने पेजेस जो हैं वो सबमिट करेंगे, पहले अपलोड करेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है हमें वो डाटा जो है वो रिटर्न हमें प्रोवाइड कर देगा।